उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने की बात कही और 1 जुलाई से सभी सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन से अटेंडेंस शुरू भी हो गई। लेकिन इस बीच लगातार टीचरों के हो रहे विरोध प्रदर्शन से सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ था। इस बीच बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आई है, सरकार ने टीचरों के सामने घुटने टेक दिए हैं और डिजिटल सिग्नेचर को लेकर अपना फैसला 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। मथुरा में टीचरों ने मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। बधाई देने के साथ साथ उन टीचरों ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवा देते हैं। मेरा नाम कीर्ति दीक्षित है, मैं बहुत अच्छा लगा अभी अभी हमें समाचार मिला कि हाँ ये स्थगित कर दिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। हम सब समय पर आते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन हमें एक बंधन में मत बांधिए। अगर हम इस उसके अटेंडेंस के बंधन में बंध गए तो हम अपना काम फ्रीली नहीं कर पाएंगे। तो आज हम सभी खुश हैं, हम सब ने मिठाई भी खाई है इसके लिए, और मैं अपनी सारी शिक्षक बहनों और भाइयों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इसका जो अटेंडेंस का जो मामला था वो कुछ समय के लिए पेंडिंग हो गया, स्थगित हो गया, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये बिल्कुल ही समाप्त हो जाए जिससे कि हम अपने कार्य को और अच्छी तरह से संपादित कर सकें। थैंक यू। शारदा चौहान, UPS राधा कुंड से हूँ, और ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि ये ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश स्थगित कुछ समय के लिए कर दिया है, और ये काफ़ी अच्छा है हम सब के लिए कि हम पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन ये एक थोपा जा रहा है कि ज़बरदस्ती टाइम से आओ, टाइम से हम अच्छा काम करेंगे और टाइम से आएंगे, और हमारा जो मानसिक दबाव हम पर पड़ रहा है उससे हम मुक्त हो गए हैं। बस हमें